the powerful leader all the way from Mumbai. Please give a big round of applause for coming, Dr. Jayesh Patel. Yeah. देखिए काफी लोग जा चुके हैं, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो ऐसी बात जानने वाले हैं अभी कि बैठे हैं उनको मालूम पड़ेगा कि वो किसके साथ बैठे हैं। साइंस का इन्वेंशन करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, क्या आप आइंस्टाइन को जानते हैं? यस। आप थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं? यस। लेकिन जब वो जिंदा थे तब क्या उनकी वैल्यू रही होगी? नहीं। तो इसी कक्षा के साइंटिस्ट, जब हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं और साइंटिस्ट सामने हैं, आने वाला इतिहास आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जो जनरेशन चेंज हो जाएगी, तो पता नहीं हमारा और आपका नाम लोग पुकारेंगे या नहीं पुकारेंगे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब का नाम हमेशा पुकारा जाएगा। आप सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आप सोचते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, सबसे पहला साइंस, प्राचीन साइंस जो शुरू से चला आ रहा है, हो सकता है 5000 या 10000 साल पहले हो, उसका नाम है आयुर्वेदिक। आयुर्वेद के बाद क्या आया? यूनानी आया 2000 साल पहले। उसके बाद आया एलोपैथी साइंस। एलोपैथी साइंस हिप्पोक्रेट के प्रिंसिपल पर डेवलप हुआ था। हिप्पोक्रेट यानी कि वेस्टर्न कंट्री में ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिसने हेल्थ के ऊपर कुछ फॉर्मूले बनाए थे, उसमें से एलोपैथी साइंस का जन्म हुआ। और यही हिप्पोक्रेट की बुक एक इंसान ट्रांसलेट कर रहा था जिसका नाम है सैमुअल हैनिमन, और उसने ट्रांसलेट करते करते एक सेंटेंस पढ़ा, लाइक योर लाइफ, और उसने वो सेंटेंस पे अपना काम रुक गया उसका, और उसने एक नए साइंस का इन्वेंशन किया जिस साइंस का नाम था होम्योपैथी। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक पांचवा साइंस का इन्वेंशन किया। कैसे किया? कौन सा वो पॉइंट था जहां से ये इन्वेंशन हुआ? तो जैसे डॉक्टर साहब ने तो बताया कि 75 में अमेरिका चले गए थे, वहां रिसर्चर और एज ए साइंटिस्ट काम करते थे। तो जिस तरह आज हम लोग पीड़ित है, इंडिया कैपिटल है, जैसे जोशी जी ने कहा कि एक पल्ले में डायबिटीज के इंडिया के मरीज रख लो और दूसरे पल्ले में दुनिया के रख लो, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आज इंडिया के अंदर डायबिटीज बढ़ चुका है, जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ चुका है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ चुका है, किडनी प्रॉब्लम बढ़ चुका है, ऐसी बीमारी बढ़ चुकी है। इसी तरह उस वक्त जब डॉक्टर साहब अमेरिका में थे, उस वक्त वहां पे यही प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? अमेरिकन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि बीमारी तेजी से आगे जा रही है या हमारा साइंस तेजी से आगे जा रहा है? डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो जब इन्होंने देखा कि मैं अमेरिका के अंदर, जब डॉक्टर लाइनस पॉली ने रिपोर्ट सबमिट किया कि ये ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और 120 साल जी सकती है, और इसको जीने के लिए तीन चीज की आवश्यकता है। इसको चाहिए प्योर वाटर, जिसको H2O कहते हैं, इसको चाहिए 21.9% ऑक्सीजन, और इसको चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। इसीलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, यही कंसेप्ट इनको क्लिक कर गया, और इन्होंने सोचा डॉक्टर साहब ने कि इसके लिए कैसे काम किया जाए। तो इन्होंने एलोपैथी प्रिंसिपल को कैच किया। कौन सा प्रिंसिपल? आज एलोपैथी दवा दुनिया में क्यों मानते हैं लोग? अगर एक आयुर्वेद वाला कहता है कि सुदर्शन चूर्ण से फीवर जाता है, लेकिन उसके घर में फीवर होगा तो वो सुदर्शन चूर्ण नहीं लेगा, एलोपैथी दवा लेगा, क्योंकि एलोपैथी दवा की केमिस्ट्री चेन, बॉडी की केमिस्ट्री चेन के साथ एक स्टडी है। अगर 100 जन को आप कॉफी प्लान देते हैं तो ये कंफर्म पता है कि 95 को एक ही परिणाम आएगा, फीवर जाएगा, पेन जाएगा, इंफ्लेमेशन जाएगा, तो जाएगा। तो एलोपैथी की स्टडी क्या है? केमिस्ट्री चेन। एलोपैथी कैसे डेवलप हुआ? कि हमारे शरीर में कोई भी केमिकल कम या ज्यादा बनने से बीमारी होती है,
जो केमिकल कम या ज्यादा बनता है उसको कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल केमिकल बनाया जाता है जिसको दवाई कहते हैं, वो सिंथेटिक है, सिंथेटिक मॉलिक्यूल है। तो ये नेचुरल मॉलिक्यूल उसी तरह एक्सट्रैक्ट किए और इस एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन की स्टडी हुई और उस स्टडी के डॉक्यूमेंट बने। जैसे तर्कोमीन सी पे बात करें तो 45 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 के अंदर मेंशन है कि तर्कोमीन सी एंटी कैंसरस है और केमोथेरेपी रिप्लेसमेंट है, केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट से बचाता है। एंडरसन रिसर्च सेंटर ने भी प्रूव किया है, कंपनी ने बहुत सारे एविडेंस पेश किए हैं। तो ऐसे डॉक्टर साहब ने मॉलिक्यूल आयुर्वेद में से निकाले और मॉलिक्यूल निकालने वाले डॉक्टर साहब इस पृथ्वी के पहले इंसान है, इसीलिए पांचवा मॉलिक्यूल साइंस कहना चाहिए। अब ये पांचवा साइंस, इसकी जरूरत मरीजों को है क्या? नहीं। पहली बात समझो, मरीज कितने हैं? 100 में से एक आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो इंडिया में जितनी हॉस्पिटल है फुल है। जिस दिन 100 में से दो आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा तो आप जितनी हॉस्पिटलों से डबल हॉस्पिटल बनानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि वो बीमार आदमी की कभी तो अच्छा था, तो हमें एक अच्छी प्रजा की कल्पना करनी चाहिए। ये कब पॉसिबल है? तो हमारा शरीर का डेवलपमेंट शुरू होता है, तो जैसे हमारी उम्र 5 साल क्रॉस होती है तो 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए प्रोडक्ट है अवेलेबल है। आधी गोली खाइए, 10 साल के बाद एक गोली खाइए, 15 साल के बाद 2 गोली खाइए। आपको ये गोली कौन सी है वो अभी नाम हमने बताया। 18 साल हो जाता है तो 18 साल तक बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, फिर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से फाइट करने की वो क्षमता नहीं रहती है जो 18 या 20 साल तक होती है, तो उसके बाद फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए। 20 साल क्रॉस हो जाता है जिंदगी के तो हमारे शरीर में CO2 का बनना शुरू होता है। तो इस किस्म के प्रोडक्ट एज बढ़ने के साथ कुछ ना कुछ चाहिए हमारे बॉडी को। आपको पता है सबसे कीमती चीज आपके पास क्या है? आपका शरीर है। इसकी कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा है। पृथ्वी का साम्राज्य एक पल्ले में रख दो, एक पल्ले में शरीर, तो भी शरीर का ही पल्ला भारी रहेगा। जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि धीरूभाई अंबानी दुनिया के सबसे रईस आदमी है, उसके 23वें दिन उनको लकवा हो गया था और वो कुर्सी वहां रखी हुई है धीरूभाई अंबानी की, उसी पर बैठते थे, उससे कभी उठ नहीं पाए। अभी तो अपने बड़े हाथ दुनिया यानी कि पैसा रोकना कभी काम नहीं आया, इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ ये फॉर्मूला सही नहीं है। हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, अरे बेटे को हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, टाइम इज मनी ये सही नहीं है, टाइम इज मोर देन मनी। तो यहां सिंपल फॉर्मूला ये है कि जब आप इस कंपनी में आए हो तो दुनिया की पहली कंपनी है जो रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाली है एमएलएम में, क्योंकि ये साइंटिफिक कंपनी है, साइंस की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सब कुछ है। अगर इसमें आप उतर के काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कि आप अपने करीबी दोस्तों को ये प्रोडक्ट बताएंगे, आपके रिलेशन बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट कुछ ना कुछ अच्छा ही आना है जिसके कारण काम आपका आगे जाएगा। तो एमएलएम के अंदर पैसा बहुत है, लेकिन अच्छे काम से कमाओगे तो दुआ मिलेगी, वो पैसे टिकेंगे। दुनिया में 2 ही क्षेत्र में पैसा है, मैंने देखा है, बहुत स्टडी की है, बहुत आरएनडी मैंने भी की है। अगर पैसा कमाना है तो एमएलए हो जाइए या एमएलएम हो जाइए। अब दोनों जगह की खासियत क्या है? दोनों जगह के लिए ना उम्र की सीमा ना क्वालिफिकेशन की जरूरत। 70 साल का आदमी भी नेटवर्किंग कर सकता है और 4 स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ आदमी भी नेटवर्किंग कर सकता है, उम्र की सीमा नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। फर्क है पैसे के कलर में। यहां टीडीएस करके व्हाइट मनी मिलेगा, कोई अन्ना आ जाए आपके घर पे आके बैठने वाला नहीं। फाइनली एक मिनट और लूंगा। मैंने अभी 5:30 घंटे की ट्रेनिंग ली थी 11 तारीख को बड़ौदा में, 73 डिस्ट्रीब्यूटर उसमें थे। 5:30 घंटे में उनको हमने पूरी ट्रेनिंग प्रोडक्ट एवरीथिंग बताया था। फाइनली ये कहूंगा कि बहुत सिंपल स्लोगन है, अगर एक ही कोड के ऊपर लाखों रुपया कमाया जा सकता, सिंपल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा अपने मदर को कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मदर ने कहा कोई बात नहीं, देश के लिए करना है तू कर सकता है।
लोगों ने आजाद हिंद सेना बनाई और लोगों को नारा दिया, आप मुझे खुद दो, मैं आपको आजादी दूंगा। और ये नारे पे काम करना शुरू किया। लेकिन लोगों ने कहा, देखिए कैसा आदमी है, खून हम देंगे, आजादी की मजा ये लेगा, चले नहीं वो, नहीं चले। गांधी जी ने देखा मामला कुछ और है। गांधी जी ने कहा, आप मेरे पीछे चलो, आजादी के लिए लड़ूंगा मैं, आगे रहूंगा मैं, लाठी खाऊंगा मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं भी कहता हूं कि स्वामी आपको आजादी देगी, आपको कुछ करना नहीं है, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, 1600 का प्रतिदिन करो, पीछे आ जाओ, 1600 का प्रतिदिन करो, पीछे आ जाओ, 1600 का प्रतिदिन करो, पीछे आ जाओ, 1600 का प्रतिदिन करो, पीछे आ जाओ। और चार लेवल में आपके 10,000 लोग होंगे ना, कम से कम 6,00,000 के नीचे आपको देखने आएगा। 1600 के प्रतिदिन करो, घर पे बैठकर आप कैलकुलेशन कर लेना, 8 लेवल तक 6 के मल्टीप्लीकेशन में 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट का चेक आता है। और ये इतिहास को हम ब्रेक करेंगे। और 2.25 महीने में मैंने डायमंड लेवल अचीव किया है। कारण यह है कि 8 नवंबर को बेंगलोर में मैं डॉक्टर साहब को मिला, मेरी फैमिली के साथ गया था। उसके पहले 5 नवंबर को राजेश जी से मिला। राजेश जी को तो मैं काफी सालों से जानता हूं, क्योंकि जो पहले वाली कंपनी उसमें हमने भी काम किया था। और मिलने के बाद 8 नवंबर को मैं मिला और मैं कह के निकला था कि मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, ज्यादा बोलता नहीं हूं, मैं काम करके बताता हूं, 9 तारीख से काम शुरू करूंगा। और 31 दिसंबर डायमंड डायरेक्टर बन गया। और अब आपको मैं फाइनली बता रहा हूं, 31 मार्च के पहले कंपनी की हाईएस्ट पोस्ट चेयरमैन को मैं अचीव करूंगा। ये लेवल कैसे अचीव होते हैं, जब आप एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका और उसकी टीम का मिलकर 1,60,000 का टर्नओवर होता है, आपका और आपके टीम का टर्नओवर 1,60,000 का होता है, तो आप डायरेक्टर बनते हो। उसी तरह आपके नीचे एक बंदा, उसका और उसकी टीम का टर्नओवर करता है 1,60,000 का, तो आपके नीचे एक डायरेक्टर तैयार होता है। एक दूसरा स्पॉन्सर करिए, उसकी टीम का भी 1,60,000 का टर्नओवर होगा, तो आपके नीचे 2 डायरेक्टर बनेंगे, आप रोज बनते हैं। तीसरा बंदा भी ऐसा करता है, तीसरा डायरेक्टर बनता है, तो आप सिल्वर बनते हैं। ऐसे करते करते आपके 10 डायरेक्टर बनते हैं, तो आप डायमंड डायरेक्टर बनते हो। उसी 10 में से अगर 3 लोग डायमंड डायरेक्टर बनते हैं, तो आप चैंपियन बन जाते हो। तो सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा मेहनत नहीं करिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिसने भी बुलाया है उनके साथ बैठिए, मौका जितने जैसा नहीं है। गुजरात में मुश्किल से थोड़े से लोग जुड़े हैं, तो अगर देखा जाए तो मैं तो मानता हूं इस कंपनी की शुरुआत 9 नवंबर करते हुए, बस हमने क्रांति की शुरुआत 9 नवंबर से शुरू की। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बंबई शहर के अंदर 535 लोगों की मीटिंग बुधवार को हुई है। और इस मीटिंग के लिए गुजरात में 3 राउंड में पहले मार चुका हूं, अहमदाबाद में मीटिंग ली, बड़ौदा में मीटिंग ली, सूरत में हमने मीटिंग ली और मूवमेंट क्रिएट की। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको हम पूरे महाराष्ट्र में डेवलप कर देंगे, पूरे गुजरात में डेवलप करेंगे, एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, ये सब जगह हमारा काम शुरू हो चुका है। सिर्फ आपको देखना है, अगर जो इंसान आज देखेगा, ये बहुत मौका, बहुत बड़ा मौका आपके हाथ में है, क्योंकि इससे बड़ी कोई कंपनी कभी नहीं आएगी। अगर धीरूभाई अंबानी भी आगे सोचे कि मैं भी ऐसी मॉलिक्यूल की कंपनी डालू ना मुकेश अंबानी, तो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि कुदरत ऐसा एक संयोग पैदा करती है, जैसे आइंस्टाइन के लिए किया था, जैसे एडिसन के लिए किया था, जैसे हनीमन के लिए किया था, ऐसे दुनिया क्रिएटर लोग को पैदा करती है। और जो क्रिएटर होते हैं ना, वो गुरु होते हैं, और गुरु दूसरा आदमी नहीं बन सकता एक फील्ड में। ध्यान दीजिए, एक ऑथोरिटी होती है, इस लेवल पे पहुंचना कोई दूसरा आदमी कल्पना नहीं कर सकता है, नकल में कभी अकल नहीं होती। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, हनीमन ओरिजिनल था, डॉक्टर साहब ओरिजिनल है, एडिसन ओरिजिनल था, समय बहुत निकला है, ज्यादा बोलूंगा नहीं, बोलने की मुझे बहुत आदत है। लेकिन फाइनली कहूंगा, आज हमारी जिंदगी कैसी है, नशा हर चीज में है। क्या पीने में नशा है? नहीं, बोलने में भी नशा है, खाने में भी नशा है, हर क्षण नशा ही नशा है जिंदगी में। नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया। नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, जीना ना आया।
हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें पीना आ गया। थैंक यू।